पंजाब के मोगा में लॉकडाउन की वजह से कई ऐसे परिवार हैं जिनकी रोजी रोटी बंद हो गई है। उन परिवारों के लिए जब पंजाब सरकार और केंद्र सरकार द्वारा राशन मुहैया कराया जा रहा है, वहीं सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं द्वारा भी उन ज़रूरतमंदों को भोजन आदि तैयार करके दिया जाता है। इन्हीं धार्मिक संस्थाओं में एक संस्था है डेरा राधा स्वामी सत्संग घर मोगा की ओर से हर रोज़ करीब 7 से 8 हज़ार ज़रूरतमंद लोगों को खाना तैयार करके दिया जाता है। मोगा के डेरा राधा स्वामी सत्संग 2 सत्संग घर हैं जो दोनों ही खाना बनाया जाता है जो ज़रूरतमंद लोगों को पैक करके घरों तक भेजा जा रहा है। यहाँ पर खाना बनाते समय हर तरह की सुरक्षा जैसे सैनिटाइज़र और मुंह पर मास्क लगाना और एक दूसरे के संपर्क से दूर रहना, साथ ही सर पर टोपी पहनना। वहीं जहाँ पर सब्जियाँ काटी जाती हैं या आटा गूंथा जाता है वहाँ पर बारीक जाली का प्रयोग किया जाता है। वहीं जहाँ पर महिलाएं रोटी पकाती हैं उस पोर्शन को भी अलग रखा गया है, उस पोर्शन को भी कई बार साफ किया जाता है और रोटी पकाते समय महिलाओं द्वारा भजन आदि गाए जाते हैं ताकि यह खाना प्रसाद के रूप में तैयार हो। क्या क्या यहाँ इंतजाम हैं आओ सुनाते हैं डेरे के सेवादारों द्वारा। वैसे जय देगा जी, आम जनता जी पहले 10 साल पहले जी घर को निकलने लगे अपने मास्क पहन के जाने चाहिए, हैंड वॉश करके जाना चाहिए जी। और जितना भी खाना यहाँ पे बनता है जी, गुरु का नाम लेकर बनता है और जरूरतमंदों के लिए ये खाना बनता है, जितना भी हो सके उतना ही लेना चाहिए जी। जी साढ़े बाबा जी का हुक्म है कि कोई भी भुखा नहीं सोना चाहिए। इंसानियत के नाते बाबा जी ने सेवा शुरू की साढ़े वास्ते और असं बाबा जी का धन्यवाद करते कि सानू उन्होंने सेवा का और मौका दिता लंगर बनाने का जरूरतमंदा वास्ते। असं उन्होंने भी शुक्रगुजार हाँ और जिन्हों वास्ते असं कर रहे हैं उन्हों का भी शुक्रगुजार है। किन्ने लोग इतने 7 हज़ार लोगों का तकरीबन लंगर तैयार होंगे और सवेर तो शाम तक सेवा चलती है जी। की मैसेज दोगे आम लोगों को? सरकार इन्ना ये बीमारी बहुत भयानक है, सरकार जो कह रही है सानू नियमों का पालन करना चाहिए, सानू सोशल डिस्टेंसिंग का खास करके ध्यान रखना चाहिए और अपने मास्क पा के रखने चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए है। जो भी सरकार कोशिश कर रही अपन उन्होंने साथ देना चाहिए। सत्संग प्यास सेंटर मोगा वालों करीब 7 से 8 हज़ार लोड़वंद जरूरतमंद परसन के लिए खाना तैयार करके लोकल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। उनके असी प्रैक्टिकली जो सेंटर गवर्नमेंट दियाँ स्टेट गवर्नमेंट दियाँ हदायतों ने उन्होंने मुताबिक फर्स्टली जिन्हें सेवादार आते हैं उन्होंने सैनिटाइजेशन की जाती है, उन्होंने 2 व्हीलर की 4 व्हीलर की सैनिटाइजेशन की जाती है, पंडाल की सैनिटाइजेशन की जाती है। दैन उस तो बाद प्रैक्टिकली मेडिकल चैकअप तो बाद सेवादारा प्रशादा बनाने से पैक करने लिए परमिशन दी जाती है। वो सारे प्रशादे की पैकिंग होने तो बाद सैनिटाइज करके गड्डिया रख के डिस्ट्रीब्यूशन लिए भेजा जाता है। उन्होंने की बीमारी के बारे जो सानू गवर्नमेंट वालों हिदायत मिलती हैं, सानू आपस में सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए है, रेगुलरली हाथ धोने चाहिए हैं, साफ सुथरे रहना चाहिए है, प्रैक्टिकली अपना मास्क पा के रखना चाहिए है और रेगुलरली अपने सिस्टम को सैनिटाइज करना चाहिए।